सस्टेनेबल डेवलपमेंटाचे ध्येय गाठपाचे असले जाल्यार पंचमहाभूती मतींत दवरप सामके गरजेचे. या पंचमहाभूतांक आमी समजले, हांचेर काम करपाक सुरवात केली जाल्यार सस्टेनेबल डेवलपमेंटाचे ध्येय साध्य करपाक आमकां कळाव लागचो ना, अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले. या गजालींचेर आमी लक्ष दिले जाल्यार भारताक विश्वगुरी जावपाक कळाव लागचो ना, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणले. मैं बस इतना ही कहूंगा कि G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत देश को मिली है और वन अर्थ वन फैमिली वन नेचर की तरफ हम जा रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम. और G20 के जो जिस 20 कंट्रीज इस G20 में समिट में आ रहे हैं, 80% ऑफ द ट्रेड मींस बिजनेस इस G20 की तरफ से, पूरे वर्ल्ड का 80% ऑफ द ट्रेड इस G20 में समा रहा है. अगेन G20 कंट्रीज 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस 20 कंट्रीज में आ रहा है. तो मुझे लगता है और इस पे इससे पहले ये पंचमहाभूत का सम्मेलन होना बहुत ही उपयोगी है. और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, उसकी नींव मुझे लगता है कि महाराज कनेरी मठ ने यहाँ पे रखी है. और डेफिनेटली आगे G20 के लिए जो जो कुछ हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम सोच रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन की जो सोच है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगेन द पंचमहाभूत के ऊपर ही उसका भाष्य चल रहा है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव करना है तो पंचमहाभूत ही इंपॉर्टेंट है. इसी पंचमहाभूत को हमने समझ में ले लिया, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम अचीव कर सकेंगे.